और वैसे आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। आज का जो ब्लॉग है ये इन भैया की स्पेशलिटी है, कुछ पहले फॉर्म भरना पड़ता है जैसे कुछ 12 बजे होते ना, क्योंकि अपने रिक्स पे रहता है, अपन यहाँ पे खाना है ना अपने रिक्स पे रहता है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये क्या है अग्नि जलम, ये क्या है आंसू निकलम, ये मेरे से तो नहीं हुआ। मैं फॉर्म तो नहीं भर रहा हूँ, तो इनका सर्टिफिकेट का बुका नहीं। यहाँ पे इनका दावा ऐसा है कि जो भी जो चीज़ बनाते हैं वो अगर किसी ने खा लिया और मतलब ये सब प्रॉब्लम पूरा फॉर्म भर के उसको अपने रिक्स पर खाना पड़ता है, पूरा फॉर्म फिल करते और उसने खा लिया तो एक सर्टिफिकेट देते हैं और वो सर्टिफाइड रहता है वो इंसान, और वो सर्टिफिकेट इंडिया पूरे इंडिया में किसी का नहीं है। तो मेरे को ये नहीं भरने वाला हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा चैलेंज लेने ही नहीं, रिक्स लेने ही नहीं जानता। चलते हैं तो डायरेक्ट मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ क्या वो चीज़ है। नमस्ते भैया, आइए। पहला आपका नाम, मेरा नाम वैसे तो मिस्टर भेल भंडारी है और पुराना नाम मेरा चेतन भंडारी है। हाँ जी, आपका भैया यहाँ जितनी भी भेल है सब बिना परवल की है और बिना चटनी की है। हमारे घर के होममेड यूज मसाले होते हैं उसमें, जिन्हें हम अफगान के मेक्सिको के मसाले बताते हैं, और बाकी सैलड होता है जो कि काफ़ी हेल्दी होता है सैलड। आपके माइंड में फॉर्म भरवाना और ये सब आपका ही मतलब माइंड जी भैया, फॉर्म भराने से मकसद सिर्फ इतना सा है कि कस्टमर को पता चल जाए कि जो भेल वो खाने जा रहे हैं वो कितनी ज़्यादा हैवीली स्पाइसी है। और अगर आप खा लेते हैं और 15 मिनट तक पानी वगैरह कुछ नहीं मांगते और कुछ भी दूसरी रिएक्शन नहीं देते तो हम आपको एक मिर्ची महाराजा की पदवी से भी उपाधि देते हैं, और जो कि हम सर्टिफाइड कर देते हैं कि आप किसी भी लेवल की मिर्ची खा सकते हैं। ये हमारे तरफ से आपके लिए एक सम्मान होता है, उसे हम अपने इंस्टाग्राम पेज पर भी पोस्ट करते हैं। बिल्कुल आइए, बनाता हूँ आपके लिए एक चीज़ें। और ये हमारी रसमलाई भैया, रसमलाई मीठी भैया, इससे क्या भेल तीखी नहीं लगती। अच्छा अच्छा ठीक है, रसमलाई डालती इसमें, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखता आप कस्टमर को। हाँ भैया, ये मंगल के प्याज आ गए अपने, मंगल के। हाँ, इसी से लाल दिखता है मंगल ग्रह। अच्छा, ये हीमोग्लोबिन भैया हो रही है। हाँ भैया, आयरन कैल्शियम की गोलियां नहीं खानी पड़ती है, नागालैंड के पाइनएप्पल। अच्छा, नागालैंड के पाइनएप्पल। हाँ जी, थोड़ा सा ग्लो बढ़ाने वाली ककड़ी, वो ककड़ी। उसके ऊपर आ गया हल्का सा नशीली पत्तियाँ, नशीली पत्तियाँ तो आसानी चढ़ता है इससे किसी नहीं। भैया नींद अच्छी आती है। अच्छा, नींद अच्छी। हाँ भैया, ये हमारा हिमाचल का लट्टू, हिमाचल का लट्टू। हाँ भैया, इसको अभी डालेंगे। ये आ गया हिमाचल का लट्टू। हाँ, ये भी अंदर हो गया भैया। अब आ रहा है आपके लिए कश्मीर की केसर ओरिजिनल। अच्छा, केसर ओरिजिनल दानेदार। अच्छा अच्छा, दानेदार में केसर का दाम है। ये जापानी लच्छा। अच्छा, ये जापानी लच्छा जी भाई साहब। के बाद आ गया अपना कलकत्ता की बादाम, कलकत्ता की बादाम, कलकत्ता बादाम लोकल वाले। हाँ जी भैया, ये ईरान की कचौरी है। ईरान की कचौरी। हाँ भैया, ईरान से आती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो लेने जाने में तो बहुत खर्चा होगा ये सब चीज़ें। हाँ भैया, बहुत खर्चा होता है, पर कस्टमरों के लिए सब कुछ भैया जाया जरिए। अरे ये किंग जो नॉर्थ कोरिया के जो चने आते हैं। अच्छा अच्छा, चने भैया। हाँ देखिए, मेरे बहुत चलता। हाँ, तो जाते कैसे ये सब लेने? ये प्राइवेट जेट है अपना। अच्छा, प्राइवेट जेट है भैया। ये अफगान का मसाला भैया, आप तालिबान से आ रहा है। अच्छा, तालिबान से आ रहा है। हाँ, ये मेक्सिको का भैया, बहुत स्पाइसी होता है। अरे वाह, तो आतंकवादी के ग्रुप से तो नहीं हो भैया? नहीं नहीं भैया, उन लोगों से अच्छे संबंध है, मंगाई जोड़ा पान खिलाता हूँ उनको, तो बड़े अच्छे। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी चल रहे तालिबान खरीद रहे हैं अपन। अच्छा, सौदा होने वाला, किसी से बोलना मत। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, बयाना दे दिया भैया अपन ने 250 करोड़ का। बहुत बढ़िया, बहुत अपन खरीद रहे भैया, पूरा अफगानिस्तान तालिबान। कांग्रेचुलेशन, इंडिया में मिला देंगे भैया उसको। पहले से ही कांग्रेचुलेशन। हाँ भैया, तुम सबको बाहर कर देंगे अपन खरीदने का। एकदम सही, सिर्फ इन्ना खिला देना सबको। बिल्कुल भैया, सिर्फ इन्ना की तो बात ही है, सारे मसालों से फिर अपना हो जाएंगे। एकदम, बहुत बढ़िया। भैया मछली तिरनाड में बजा देते हैं इंदौरी केसर से। अरे इंदौरी केसर, हल्का सा इसका मेकअप कर देते हैं नशीली पत्तियाँ और उसके ऊपर हीमोग्लोबिन। लग रहे हैं भैया, बहुत प्यारी एकदम, अति सुंदर। मिस्टर वर्ल्ड बनाना चाहिए इसको। वैक्सीन लगा दी? हाँ, ये लगा दी वैक्सीन। अब कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें ना? बिल्कुल, ये रेडी आपकी तिरुवन्नाड। अच्छी, बहुत बढ़िया।